सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरा कार्स 24 के साथ, जो कि मैंने एक कार परचेज़ करी थी कार्स 24 से 2021 में। आज मुझे ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हो चुके हैं। अगस्त 2021 में परचेज़ करी थी, आज सितंबर चालू हो चुका है, दो साल से ज़्यादा ही हो चुका है। तो मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा आपको कि क्या क्या रहे हैं मेरे साथ, एक्सपीरियंस क्या रहा है। ठीक है, 2 साल बाद वीडियो बनाने का ये भी पॉइंट है मेरा कि गाड़ी हमने ले तो ली, ठीक है, सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी, अब भी जान रहे हैं कि लाइफ कितनी रहती है। मैंने ये गाड़ी इतनी चला ली है कि मुझे सारा एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या कार्स 24 हमें देती है एक्चुअल में, क्या उनका रिस्पॉन्स रहता है चीज़ों को लेके, कोई कंप्लेंट्स होती हैं तो उन पर क्या काम करते हैं। सो चलिए ज़्यादा नहीं बातें करके सीधे मेन टॉपिक्स पे आते हैं। सो मैंने जुलाई में प्लान करना शुरू करा था कार का अपना, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट करी, ग्रैंड आइडन, एक दो गाड़ी मंगाई, ट्राई करी। ये अच्छा है उनका कि आपको घर पे टेस्ट ड्राइव देते हैं, सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे हैं जिस लोकेशन पर होंगे वहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव दे देंगे। इनफैक्ट आपका ऑफिस है या कहीं भी है, आपको टेस्ट ड्राइव वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, पहला तो ये हो गया, टेस्ट ड्राइव इनका एक स्मूथ प्रोसेस है जो कि मैंने ऑनलाइन ऐप के थ्रू बुक करा था, ठीक है। बट अब यही सब तो बढ़िया रहा, बुकिंग पर पोज आ गया, मैंने सब कुछ बुक कर ली। गाड़ी की डिलीवरी मुझे बहुत परेशान करा है इन लोगों ने, मतलब परेशान इन द सेंस कि मेरी 4 दिन लेट करी थी इन्होंने। कभी कुछ रीज़न की गाड़ी फंस गई है, मैं इमेज मेरे पास पड़ी है तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, मतलब गाड़ी फंस गई है, फंस गई है, ये रीजन्स मिले, कोई रिस्पांस नहीं मिला, अब समझ में नहीं आया क्या है। फिर 4 दिन बाद मुझे मिलता है कि हाँ जी आपकी ये डेट फाइनल ही है, अब आपको गाड़ी मिल जाएगी। कि 2 दिन इन्होंने ऐसे डाला कि आपको कल गाड़ी मिलेगी, परसों गाड़ी मिल जाएगी आपको, बट मिली नहीं। तो एक ये थोड़ा सा लैग वहाँ रहा, बट ये है कि आफ्टर डिलीवरी मैंने डिलीवरी ली गाड़ी की, मैंने अपने ऑफिस में गाड़ी की डिलीवरी ली थी, ऑफिस में था मैं, तो सब कुछ ओके रहा, सारे पेपर्स वगैरह साइन करा के दे के गए, वो सब कुछ है स्मूथली। इनका आरसी ट्रांसफ़र का जो चार्जेस हैं सारे ले रखे होते हैं उन्होंने ऑलरेडी, उसमें 5000 रुपये इन्होंने लिए थे मुझसे। नेविगेशन का उसका भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, वो मैं आपको वीडियो बताऊँगा सारी चीज़ें कि नेविगेशन के संग करते क्या हैं, वो मैं इनकी भी गलती मानूँ, दूसरा उस प्रोवाइडर की भी, वो बाद में आते हैं, ठीक है। आरसी के सारे चार्जेस ये ऑलरेडी ले लेते हैं बिलिंग में, ठीक है, अगर मेरे पास बिल होगा बिल भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा, बिल है मेरे पास ऑलरेडी वैसे, ठीक है। ये रहा प्रोसेस, सारे चार्जेस इन्होंने ले लिए, साइन करा के मुझसे ले गए विद इन अ मंथ, और कह सकते हैं कि मेरी आरसी आ गई, ठीक है। अगस्त तक मैंने गाड़ी फाइनल करी थी, अगस्त में मेरी गाड़ी मिल गई थी। देन उसके बाद मुझे थोड़े ही टाइम में, वैसे मैंने क्या करा, फर्स्ट थिंग आप भी यही करना अगर गाड़ी लेते, कार्स 24 ही सही, कोई भी सही आप, लेकिन ये जरूर चेक करें, है ना, कि इसे सर्विस सेंटर ले गया हम होंडा ही के, मैंने इंस्पेक्शन कराया, वहाँ 1500 रुपये का इंस्पेक्शन चार्ज था, मैंने इंस्पेक्शन कराई पूरी गाड़ी, मैंने कहा चार्ज पे कर लो वन टाइम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे दिक्कत ना आए। मैंने चेक कराई, इसमें कुछ मेजर चीज़ें ख़राब निकली, ठीक है। उसका फिर मैंने एस्टिमेट लिया होंडा ही से, करीब 30-31 हज़ार रुपये का मेरा एस्टिमेट था वो, तो मैंने कार्स 24 से बात करके, उसमें वारंटी भी देते हैं ये लोग, ठीक है, सपोर्ट एंड वारंटी, तो मैंने वारंटी पे क्लेम किया, उन्होंने उससे एस्टिमेट मांगा, मैंने एस्टिमेट जो उनसे लिया प्रॉपर एस्टिमेट, क्योंकि जब यही उनका होता है, अगर आपको नॉर्मली चेक करानी है तो वो एक बंदा चेक करेगा और दे देगा, ऐसे बता देगा आपको, रिटन पेपर पे लिख के दे देगा आपको। अगर प्रॉपर वो चाहिए तो इंस्पेक्शन लिस्ट होती है, उसके लिए एक प्रोसेस है, ठीक है, वो ऑथराइज जो सिग्नेचर ही करके तभी देते हैं जब आप एक चार्ज पे करते हैं। तो मैंने लिस्ट ली, उन्होंने अपना, मैंने अपलोड करी, मतलब विद इन अ वीक ही मुझे जो 31 हज़ार का अमाउंट था मेरे अकाउंट में मिल गया। फिर मैंने इसके बाद अपने शोरूम में काम करा लिया। मेन इसमें दिक्कत थी क्लच की थी, कुछ छोटे मोटे डोर हैंडल्स के वर्किंग में नहीं थे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थी, तो वो मैंने कहा मेनली था मेरा क्लच का काम, ठीक है, जो कि इससे पहले एक लेडीज़ थी वो यूज़ कर रही थी, उन्होंने, मैंने ये गाड़ी ली थी 85,000 किलोमीटर चली हुई, तो 80,000 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई मैंने ली थी 85 अराउंड, है ना, तो मुझे लगा कि ठीक है क्लच भी जाने बनता था, अगर एक बार क्लच में काम नहीं हो क्लच तो मांगेगी इतने टाइम पे, तो वो भी कोई बड़ा इशू नहीं था। फिर मैंने क्लच करा लिया, क्लच का ही मेरा काम 9000 रुपये समथिंग का पड़ा, मैंने शोरूम से ही कराया, और हाँ जी ये सिचुएशन है 2 साल हो चुके हैं उस काम को, आज मेरी क्लच काम मांग चुकी है गाड़ी, इसका क्लच का काम फिर से होगा, तो मैं आगे एक और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, वो भी आप प्लीज़ देखिएगा पूरा कि मेरे कितने किलोमीटर चल चुकी है और मेरा आज तक का क्या रिस्पॉन्स रहा है, इसके संग रिव्यू क्या रहा है, क्या मैंने फेस किया है, वो सब कुछ मैं डालूंगा। ये कार्स 24 के ऊपर बैठे, तो कार्स 24 की ही बात करेंगे। सो ये हो गया सारा कुछ, उन्होंने मुझे ये चार्ज पे कर दिया, उनकी ये पॉलिसी मुझे बहुत बढ़िया लगी कि एटलीस्ट ये रिस्पॉन्स देते हैं।
देन ये सब कुछ शॉर्टेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आरसीबी में भी टाइम लिया गई। अब मेरे पास एक जो ड्रॉबैक था इनका जो मैं बता था ना आपको, ये मैच पॉइंट का देते हैं GPRS, ठीक है, मैच पॉइंट GPRS सिस्टम। भाई मैं कहूँगा आप अगर कार्स 24 से गाड़ी लेते हैं तो GPRS के पैसे प्लीज़ मत देना, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि GPRS के पैसे वेस्ट होंगे आपके। मैंने एक साल लगातार इन लोगों के पीछे पड़ा, मैच पॉइंट से कोई रिस्पांस नहीं, इनके थ्रू आयरो सर चेक कराते हैं कुछ नहीं हुआ, एक साल मेरे वेस्ट हो गए 5,000 रुपये। अब वो GPRS वर्किंग नहीं, ना ही मैं कराऊंगा उसे, ठीक है। अब ये क्या है, एक तो कंपलसरी चीज़ पे थोपते हैं ना कि कंपलसरी है, आपको लेना ही लेना है। अगर कंपलसरी है तो आप प्लीज़ पहले लेके मुझे पहले वर्किंग देंगे तब मैं साइन करूँगा, ठीक है। मैंने इस चीज़ की मैंने गलती कर दी, मैंने पहले चेक नहीं करा GPRS वर्किंग है, और ये चेक इसलिए भी नहीं कर पाएंगे आप, गाड़ी डिलीवरी के टाइम पे GPRS नहीं मिलता, वो डिलीवरी होने के एक हफ्ते बाद आपको मैच पॉइंट की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव इन्हीं का होता है बेसिकली, वो मैच पॉइंट का नहीं होता, वो आपको कन्वे करेगा सारे ID पासवर्ड उसका, ठीक है, तब आप चेक करेंगे और आपका वर्किंग नहीं करेगा। मेरी गाड़ी हमेशा खड़ी ही पार्क दिखाई है उसने पूरे टाइम पे, तो वो एक ड्रॉबैक मेरे संग रहा है, ठीक है। दूसरा, इनका लोन प्रोसेस स्मूथ था, कोई इशू नहीं, मैंने लोन पे लिया गाड़ी, इजीली आपको ऑनलाइन सारे फैसिलिटीज़ मिल जाती है, कोई हार्ड पेपर वर्क किसी को नहीं देना, सारा कुछ ऑनलाइन अपलोड करो, सब कुछ मिल जाएगा, ICICI के थ्रू लोन है कार मेरी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बस एक ड्रॉ पॉइंट जो है इसका यही कि मैच पॉइंट वाला जो सिस्टम है इनका, और सबसे पहले मैं इतना इनके पीछे पड़ा उसके बाद भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। आप ये समझ रहे हो, एक तो होता है क्या, चलो रिजॉल्व कर दे, रिजॉल्व ही नहीं किया उस चीज़ को, मैं परेशान रहा, बट फिर मैंने इग्नोर ही कर दिया, मैंने छोड़ो ठीक है डूब गए, ठीक है। आपको भी एट द एंड में यही करना पड़ेगा कि भाई गए, है ना। तो मेनली मेरा ये, और मैं बताता हूँ इसका एक और पॉइंट है कि भाई आपको पेंट क्वालिटी, इन्होंने रीपेंटेड थी मेरी गाड़ी, इन्होंने खुद ही पेंट करते हैं जो भी कहते हैं वो, बिकॉज ऑफ स्क्रैचेस छत पेंट नहीं थी, पेंट क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है। आज 24 की अगर गाड़ी अगर पेंटेड लेते तो मत लेना का पेंटेड है, पर्टिकुलर कुछ पार्ट्स पेंट है वो एक ओके ठीक है, बट सारी चीज़ आपको पेंट की क्वालिटी बहुत बेस्ट यूज़ करते हैं, ये पपड़ी टाइप की होती है ना, एक छूट लगते हुए मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अभी भी छूट रही है, मैंने अभी बम्पर चेंज कराना है इसका मुझे, वो बात अलग है, ठीक है। बट हाँ, पेंट क्वालिटी इनकी बहुत बेकार है, पपड़ी टाइप पर छूटने लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, पेंटेड गाड़ी बिल्कुल ना लें। बाकी सर्विस इनकी ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है, कुछ भी ड्रॉबैक्स को छोड़ के, अगर मैं उन्हें इग्नोर करूँ तो ठीक है, बट उनके साथ मैं कहूँगा अगर 10 में से मुझे अगर रेटिंग देनी हो मैं 7 ही दूँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरे साथ बीच में दिक्कत हुई, जो डिलीवरी के टाइम पे, अब मैं नंबर वाइज आपको गिना देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स। प्रॉन्स में क्या है, आपको वारंटी स्मूथ लेस, कोई टेंशन नहीं, ईजिली मिल जाएगी, कोई भी काम हो गाड़ी आप परचेज करें, रिटर्न पॉलिसी भी अच्छी है इनकी, ठीक है। अगर गाड़ी आपको नहीं पसंद है रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर जैसे आपको कार इंस्पेक्शन कराए, कुछ काम है गाड़ी में, आप एस्टिमेट उन्हें भेजें या बिलिंग भेजें, बस ऑथराइज ही चाहिएगा ना, ऐसे नहीं कि किसी से बाहर से आपने बनवा लिया कुछ भी, ऐसे नहीं, उस पर नहीं करेंगे वर्किंग, ऑथराइज होगा उससे ले आप, इसे इनकी जो ऐप है उससे आप क्लेम कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, आपको अकाउंट नंबर डालने होंगे, सब कुछ डिटेल देनी होगी, आपको पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, ठीक है। 31,000 समथिंग का मेरे का रीइन्वेस्टमेंट मिला था, तो एक अच्छा पॉइंट था। सेकेंडली, इनके जो स्मूथनेस है कि आपको गाड़ी चेक कराने का, एक या नहीं दो नहीं तीन गाड़ियाँ आप विजिट पर बुला सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं टेस्ट करके, ठीक है। और जहाँ कहेंगे आपको वहाँ मिल जाएगी गाड़ी, और RC की कोई टेंशन नहीं है आपको। और मैं बताऊँ आपको, मैंने गाड़ी भी कास्ट 24 के संग सेल कर दी, मेरी पुरानी गाड़ी थी, तो RC में भी मुझे कोई टेंशन नहीं हुई दोनों में, ठीक है। तो RC भी आपको घर पर ईजिली मिल जाएगी। तो यही एक छोटी चीज़ थी, है ना। और जो कॉन्स हैं वो मैंने आपको कहे थे, एक तो इनका भाई पेंट आगा पेंटेड है तो भाई प्लीज़ मत लेना, अवॉइड करना, पेंट क्वालिटी बकवास है। सेकेंडली, इनका जो GPRS सिस्टम है वो आप मेक श्योर करें कि पहले ही क्लियर करके लें, वो वरना रुलाएगा, कंफर्म बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और थर्ड है इसका, चूँकि आफ्टर सेल सर्विस होती है ना बाय एग्जीक्यूटिव, जिसे हमें सेल गाड़ी जो एग्जीक्यूटिव के अंडर में हम रहते हैं, जिसका नंबर हमें प्रोवाइडेड होता है, जिसके अंडर ये पूरी गाड़ी सेल होती है, वो आपको रिस्पॉन्स करना कम कर देगा। क्योंकि मैंने उसी से अपने
मेजरमेंट्स के लिए पीछे बढ़ा था उससे, वो रिस्पॉन्स करना बिल्कुल आपको कम कर देगा। हाँ, जो टेक्निकली इनका सपोर्ट है जो आप ऐप के थ्रू करेंगे वो आपको मिलेगा, बट जो कार एग्जीक्यूटिव होगा वो कुछ हेल्प नहीं करेगा। उसने मुझे लिटरली बहुत घुमाया है। मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूँ, मैंने उसके लिए इनके उस पर कंप्लेंट भी डाली थी, तो मुझे दूसरा एग्जीक्यूटिव भी मिल सकता था, बट मेरा काम हो चुका था तो फिर मैंने इसलिए ज़्यादा पीछे नहीं पड़ा, तो मैंने इसे इग्नोर करना ही बेटर समझा। सो दैट्स इट, यही था एक मेरा रिव्यू कार्स 24 के लिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मेरा एक्सपीरियंस है कुछ भी आपको समझ में आपको इंपॉर्टेंस लगे कि भाई विशाल ने कुछ आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड कमेंट करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा एक हिम्मत मिलेगी और नई वीडियोज़ बनाएंगे, तो ऑलरेडी धूप में मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो बने रहिए ऐसी। इसका रिव्यू मैं जल्दी ही गाड़ी का एक रिव्यू और डालूंगा आपको, इसी चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।